अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लोम ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका की वाटर मैनेजमेंट में तआवुन की तारीख रोशन है। अमरीका ने पाकिस्तान में गोमल जैम मंसूबे में तआवुन फराहम किया। रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए ज़राअत और पीने के साफ पानी में मदद फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में USAID ग्रीन क्लाइमेट फंड और WWF के जेरे एहतमाम रिचार्ज पाकिस्तान लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, मुआविन खसूसी पावर डिवीजन मोहम्मद अली, वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने शिरकत की। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने तकरीर से खिताब के दौरान कहा कि ये मंसूबा पाकिस्तान में सैलाब की रोकथाम के लिए मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। रिचार्ज पाकिस्तान विल रिड्यूस फ्लडिंग हैज़र्ड्स फॉर मोर देन 50,000 हेक्टर्स। It will provide Pakistani families, businesses and farms access to clean fresh water year round and it will improve the livelihoods. सभी ने कहा कि हालिया बरसों में यूएस पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के जरिए हमने काबिले तजदीद तवनाई, स्मार्ट एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की है। In recent years through the US Pakistan Green Alliance framework we've partnered with both industry and the government of Pakistan on renewable energy, smart agriculture and water management. Our efforts have created new opportunities for Pakistani businesses to access climate financing from offshore, opening up new opportunities and creating jobs. Donald Bloom ka kehna tha ki Recharge Pakistan is mazboot shirakatdari par istewar hai. 5 million American dollar ke izafi taawun ke saath jo Pakistani awam ke liye ek roshan zyada khushhal mustaqbil ki taameer ke liye hamare mustaqil azm ko zahir karta hai. Taqreer se Waziraazam ki coordinator Rumina Khurshid Alam, WWF Pakistan ke sadar Nadeem Khalid aur deegar ne bhi khitab kiya.